नमस्कार दोस्तों, सरोज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नमकीन पराठा, गेहूं के आटे से बना यह टेस्टी और हेल्दी सा नाश्ता। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, तो इस रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक पाव गेहूं का आटा, इसमें आप चाहें तो बेसन भी थोड़ा ऐड कर सकते हैं, दो मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, दो हरी मिर्च, आप मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं और मिर्च का क्वांटिटी बढ़ा या घटा भी सकते हैं। रिफाइंड तेल लेंगे मैन के लिए भी और पराठा बनाने के लिए भी। अजवाइन एक चम्मच, आधी चम्मच मंगरेल और नमक स्वाद अनुसार, पानी आटा गूंथने के लिए। तो अब हम आटा गूंथना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे और इसे अच्छे से मैन देंगे। दोनों हाथों से तेल को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें बाकी चीज़ें डालेंगे, मिर्च, प्याज, आप चाहें तो मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा या घटा सकते हैं, अजवाइन, मंगरेल और नमक स्वाद अनुसार। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे। इसे बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। अब थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालते जाएंगे और अच्छा सा आटा गूंथ लेंगे। इसे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से घर में कभी भी बना सकते हैं। तो हमारा आटा सन चुका है, हम 10 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे और 10 मिनट के बाद हम इसे बनाना शुरू करेंगे। हमने इसमें सूखा आटा का यूज़ किया है लुइया बनाने के लिए, और बेलने में भी जब ज़रूरत पड़े तो हम हल्का सा सूखा आटा यूज़ करेंगे। इधर हमने गैस पर तवा चढ़ा दिया है, बेलकर ये जब तैयार हो जाए तो हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो ये रोटी के शेप में बन चुका है, तो अब हम इसे तवे पर डालेंगे। तवे पर थोड़ी देर एक साइड से सेक के उसके बाद इसे पलट लेंगे और अब इस पर हम तेल अच्छे से लगा देंगे। एक साइड से जब पक जाए तो हम अब दूसरी तरफ पलटेंगे और इस पर भी तेल लगाएंगे और उसके बाद दोनों तरफ से अच्छे से सेकेंगे। ये दोनों तरफ से पक चुका है, अब हम पराठे के शेप में इसको बनाएंगे। तो थोड़ा सा बेल कर इसे इस तरह दोनों साइड से तेल डालकर तिनकोन शेप में हम बेल लेंगे। अब ये छोटा सा लोइया तैयार है पराठे के शेप के लिए और अब हम इसे पराठे के शेप में बड़ा करेंगे। ऐसे ही बेलते जाना है और तिनकोन शेप ये ले लेगा। अब हम इसे तवे पे डालेंगे और इसे भी उसी प्रोसेस में पकाएंगे। दोनों तरफ से तेल अच्छे से लगाएंगे और इसका सुनहरा कलर आने तक हम इसे पकाएंगे। ये ऐसी सादी सी रेसिपी है और इतनी टेस्टी भी लगती है कि बच्चे भी पसंद से खाएंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो हमारा पराठा बनकर तैयार है। आप इसे अपने पसंद की दही, अचार या सॉस या फिर किसी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।